यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र के नेतृत्व में कचहरी स्थित बस स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके संबंध में यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने बताया कि 13 नवम्बर को यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र परिवहन निगम के प्रमुख सचिव व प्रदेश सरकार को भेजा गया था तथा समय से मांगों को निस्तारण की बात की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 29 दिसंबर को है। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 29 दिसंबर को परिवहन निगम के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय मंत्री पंडित रामजी त्रिपाठी, महामंत्री तेज बहादुर शर्मा, जय कुमार पांडे, महेंद्र प्रताप सिंह, संजय पासवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने कहा, और जा रहे हैं किसका कहूं, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, मीडिया या अपने लोगों के माध्यम से इस बात का संज्ञान लेने का काम करेंगे कि अगर अपने इरादे नहीं बदलती है, वाहन निगम पर कुदृष्टि डालने का कार्य किया था, अभी वर्तमान में निर्वर्तमान एमपी राज कर्मचारियों को कार्य किया था। मित्रों, इसी के साथ मेरा नाम दिनेश मणि मिश्र है, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र हूं। 13 नवंबर 2021 को कर्मचारी समाज के, उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम के कर्मचारी समाज की और निगम हितों के अनुरूप 19 सूत्रीय मांग पत्र उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रमुख सचिव परिवहन, परिवहन सचिव, परिवहन एमडी को भेजे गए थे, उत्तर प्रदेश शासन को भेजे गए थे और उनमें समय रहते समयबद्ध तरीके से निराकरण की बात की गई थी, जिसका अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2021 निर्धारित है। हम 29 दिसंबर 2019 को परिवहन निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले हैं। उसके पहले हमारा जागरूकता अभियान चल रहा है, जिसमें राजकीय रोडवेज घोषित करने, परिवहन निगम को राजकीय रोडवेज घोषित करने, वर्षों से संविदा चालक परिचालक के पद पर कार्य कर रहे सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, बस बेड़ा में वृद्धि करने, स्पेयर पार्ट्स खरीदने, ईटीएम ट्राइमेक्स में वृद्धि करने, ईटीएम ट्राइमेक्स खरीदने आदि को लेकर के हम सभी लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर 29 दिसंबर तक हमारी बातें नहीं मानी गई और हमारे बकाया डीए, बकाया एरियर्स, बकाया वेतन, बकाया देख भत्ते आदि नहीं दिए गए, तो हम 29 दिसंबर 2021 को परिवहन निगम मुख्यालय में प्रतिभाग करते हुए धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे।